कहानी की शुरुआत काई नाम के एक पक्षी से होती है जो कि जिराफ के एक झुंड के बीच में अपने उड़ने के अलग अलग करतब दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो एक जिराफ से जाकर टकरा जाता है और वहीं गिर जाता है। तभी वहाँ उसके डैड आते हैं जिसका नाम काइंडाई होता है। वो उससे कहते हैं कि अभी भी तुम्हारी लैंडिंग बहुत खराब है। वो उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और उसे अपने पंजों से शिकार को पकड़ना दिखाते हैं। काई उड़ता तो अच्छा था पर उसका फोकस कभी भी अपने शिकार पर नहीं रहता था। काइंडाई उसे समझाता है कि अपनी ट्रेनिंग स्किल्स पर अच्छे से फोकस करो क्योंकि एक दिन तुम्हें सब कुछ अकेले ही करना होगा। काई अपने डैड से पूछता है कि हम हमेशा से इस वीरान सी जगह पर अकेले क्यों रहते हैं, हम कहीं और क्यों नहीं जाते। काइंडाई उसे कहता है कि हमें जो भी चीजें चाहिए वो हमें मिलता है तो हम कहीं और क्यों जाए। पर काई कहता है कि वो सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं जी सकता और उसे सारे पक्षियों से मिलना है, उन्हें अपना दोस्त बनाना है, वो हमेशा के लिए ऐसे अकेले रहना नहीं चाहता। काइंडाई बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं गोगो नाम के एक क्रेन को जो अपने पीछे बैठाकर एक बीवर व टिनी और उसके एक्स को कहीं ले जा रहा था और उन एक्स को खाने के लिए दो पक्षी सिसिल और सील उसका पीछा कर रहे थे। गोगो उनको चकमा देता हुआ भाग रहा था और वो भागते भागते काई के घोंसले के पास आकर रुकता है। वो वही पेड़ से लटका हुआ होता है कि तभी उसके बैग से एक अंडा नीचे गिरने लगता है। काई जल्दी से जाकर उस एग को बचा लेता है और उसे वापस से उसके बैग में डाल देता है। काई गोगो से पूछता है वो कहाँ जा रहे हैं। गोगो उसे बताता है कि वो टिनी और उसके एक्स को लेकर जाम्बेजिया जा रहे हैं। टिनी बताती है कि पूरे अफ्रीका में जाम्बेजिया से सुरक्षित जगह कोई और है ही नहीं। काई पूछता है कि ये जाम्बेजिया कहाँ है। वो कहते हैं तुमने जाम्बेजिया का नाम नहीं सुना और वो जाने लगते हैं। पर काई उनसे कहता है क्यों ना तुम लोग आज रात यही आराम कर लो। गोगो वहाँ रुकने के लिए मान जाता है। इधर काइंडाई अपने बीबी की आखिरी निशानी देखकर उसे याद कर रहा था। वो कह रहा था उसे पता नहीं कब तक वह काई को अपने पास रोक पाएगा क्योंकि वो बड़ा हो रहा है और वहीं बाहर की दुनिया देखना चाहता है। वहीं काई टिनी और उसकी साथी के साथ खेल रहा होता है। टिनी अपने डकलिन को काई के साथ ऐसे खेलता देखकर कहती है कि लगता है ये बड़े होकर हरिकेन बनेगा। काई उससे पूछता है ये हरिकेन क्या होता है। टिनी उसे बताती है कि हरिकेन वो बर्ड्स होते हैं जो बहुत ऊंचे उड़ते हैं और जाम्बेजिया की हिफाजत करते हैं। काई हरिकेन्स के बारे में सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि वो भी एक हरिकेन बनना चाहता है। वो उससे पूछता है कि क्या कोई भी जाम्बेजिया जा सकता है। गोगो कहता है कि जाम्बेजिया में सारे पक्षियों का हमेशा स्वागत किया जाता है। तभी वहाँ पे दोनों मुराबोस सिसिल और सील आ जाते हैं और गोगो से वो एक्स और डकलिन को मांगने लगते हैं। तभी काई उनसे भिड़ जाता है और लड़ने लगता है। तभी काइंडाई वहाँ आता है और उन मुराबोस से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। तभी एक मुराबोस जिसका नाम सील था उसका पैर फिसलने की वजह से वो वहीं एक सूखी डाली में फंस जाता है और उसके टूटने से वो नीचे गिरने लगता है। काइंडाई उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो उसे बचा नहीं पाता। सिसिल अपने भाई के मरने से काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम सारे वर्ड्स हमेशा से मुराबोस को नीचा समझते आए हो। वो कहता है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी और वो वहाँ से चला जाता है। गोगो काइंडाई को पहचान रहा था पर काइंडाई उससे कहता है कि वो लोग यहाँ से चले जाए और उन्हें परेशान ना करे। गोगो वहाँ से चला जाता है पर काई के पास अब कई सवाल थे जिसका जवाब वो अपने डैड से मांगता है। वो काइंडाई से पूछता है कि वो गोगो को कैसे जानते हैं और उन्होंने उसे जाम्बेजी के बारे में अभी तक क्यों नहीं बताया। काइंडाई कहता है उसने जो कुछ भी किया उसकी भलाई के लिए किया। पर काई कहता है कि कैसी भलाई, वो बिल्कुल अकेले रह गया है, ना उसका कोई दोस्त है और ना ही कोई साथी। काई कहता है कि वो और ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता और उसे काइंडाई को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वो जाम्बेजिया जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो एक क्रेन्स के ग्रुप के साथ मिल जाता है जो जाम्बेजिया की तरफ ही जा रहे थे। काइंडाई भी कुछ देर बाद काई को ढूंढने के लिए निकल जाता है। आगे हम देखते हैं सिसिल को जो बहुत ज्यादा उदास था अपने भाई की मौत से। तभी उसके पास बुर्जो नाम का एक बड़ा सा लिजार्ड आता है। वो उससे कहता है कि वो उन वर्ड से बदला लेने में उनकी मदद कर सकता है। काइंडाई को जाते जाते कुछ आवाज सुनाई देती है। वो वही पत्थरों के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगता है। बुर्जो सिसिल से पूछ रहा था कि हमेशा से उन वर्ड्स ने मुराबोस को अपने से नीचा समझा है, अब समय आ गया है कि उन पर हमला करके पूरे जाम्बेजिया पर मुराबोस का राज हो, पर उसके बदले में उसे कुछ एक्स चाहिए। बुर्जो सिसिल से बाकी सभी मुराबोस को इकट्ठा करने को कहता है। तभी काइंडाई देखता है कि बुर्जो वहाँ से जा चुका है। तभी उस पर पीछे से बुर्जो का हमला होता है। बुर्जो उसे घायल कर देता है और पकड़ लेता है। इधर काई पहली बार इतनी लंबी उड़ान भर रहा था इसलिए उसे थकावट महसूस हो रही थी। वो क्रेन्स उसे अपनी लाइन में आ जाने को कहते हैं जिससे उसे कम थकावट होगी और काई बहुत जल्द ही जाम्बेजिया पहुंच जाता है। वहाँ की खूबसूरती देखकर वह हैरान था। एक बड़े से पहाड़ के ऊपर विशाल सा पेड़ था जिसके पीछे पक्षियों का एक शहर बसा हुआ था और उसी को वो जाम्बेजिया कहते थे। काई वहाँ के रिसेप्शन पर आ जाता है और अपनी एंट्री करवाता है। वो कहता है कि वो अब हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए आया है। उसे जाम्बेजिया
जांबेजिया का टूर कराने के लिए कीजी नाम का एक गाइड को अपॉइंट किया जाता है। आगे हम जांबेजिया के हेड सिकूर को देखते हैं, जो अपनी बेटी जो के साथ यहाँ रहता था, उसका एक पंख लड़ाई में टूट गया था और उसके बाद से वो कभी भी उड़ नहीं पाया। तभी एक बर्ड उसके पास काई का फॉर्म देने आती है और बताती है कि कोई नया सिटीजन आया है। यहाँ वो काफी शॉक था क्योंकि काफी दिनों बाद कोई वहाँ आया था, जो कहती है कि जरूर वो हरिकेस का ट्रायल देने आया होगा जो कल होने वाली है। तभी गोगो भागता हुआ सिकूर के पास आता है और कहता है कि आज उसने काइंडाई को देखा है। सिकूर कहता है कि उसे पता है क्योंकि उसका बेटा काई आज ही यहाँ आया है। गोगो कहता है कि किंडाई अभी भी बहुत गुस्सा है, उसे नहीं लगता है कि वो यहाँ से कभी वापस भी जाएगा। अगली सुबह काई के पास टूर कार्ड आता है जिसका नाम इजी था। वो काई को लेकर जांबेजिया का टूर कराने निकल जाता है। वो वहाँ के सारे वर्ड्स और अलग अलग जगहों को दिखाता है। पहली बार इतने सारे वर्ड्स और उनकी रंगीन दुनिया में आकर काई बहुत खुश था। वहाँ वो जोही से भी मिलता है, जो उसे बहुत अच्छी लगी थी, और उसने फिर हरिकेस वर्ड्स को देखा जिनके जैसा बनने के लिए वो यहाँ आया था। इधर सिसिल अपने बाकी सारे मुराबोस को बता रहा था कि वो जांबेजियन मिलकर अपने लिए अच्छा घर बना लिए और उन्हें यहाँ भटकने के लिए छोड़ दिया। वो उन सबके साथ मिलकर जांबेजिया पर हमला करने के लिए मना लेता है। काई हर चीज में पार्टिसिपेट करता है। वहाँ एक रेस होनी थी जिसके रास्ते में कई तरह की अड़चने भी थी। उन सबको पार करके सबसे पहले एंड पार तक पहुँचना था और उसी के बेस पर न्यू हरिकेन्स का सिलेक्शन होता था। काई के मूव्स और उसके उड़ने के तरीका बाकी सभी बर्ड से बिल्कुल अलग था, पर वो किसी भी तरह हर मुश्किल को पार करने में सफल रहा और सबसे लास्ट राउंड उसमें ऊपर जाकर सही सलामत लैंड करना होता था। उसमें भी काई फर्स्ट आता है और हरिकेन्स का ट्रेनर उससे कहता है कि उसके मूव्स बहुत अलग है, इसलिए अभी के लिए उसे बस ट्रेनर बना रहा है। काई का हरिकेन्स में वेलकम होता है। आगे हम देखते हैं कि बुर्जो ने किंडाई को पिंजरे में कैद कर रखा है। किंडाई बुर्जो से कहता है कि उसने जांबेजिया को कब का छोड़ दिया, वो उसके लिए कोई खतरा नहीं है। बुर्जो कहता है कि जांबेजिया पर हमला करने के लिए उसे उसकी जरूरत है। जांबेजिया के सारे बर्ड्स आज सेलिब्रेशन बना रहे थे। तभी उन बीवर्स बर्ड्स पर कुछ मुराबोस हमला करते हैं और उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। जब तक सारे बर्ड्स को ये पता चलता वो सारे यहाँ से जा चुके थे, वो उन्हें लेकर बुर्जो के गुफा में जाते हैं। बुर्जो उन सारे बर्ड्स से एक ब्रिज बनाने को कहता है, पर वो सब मना कर रहे थे। तभी टीनी टिंडाई को देखती है। बुर्जो उनसे कहता है कि अगर टिंडाई को जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी से उसके लिए ब्रिज बनाना शुरू कर दो। टीनी टिंडाई के चलते ब्रिज बनाने को मान जाती है। हरिकेन्स का लीडर बाकी सभी हरिकेन्स को लेकर उन वर्ड्स को खोजने के लिए निकल जाता है, पर वो काई को अपने साथ नहीं ले जाते और उसे वहाँ की क्लिनिक की ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। और रात में काई और जो के साथ मिलकर मुराबोस को पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। वो तीनों अब जंगल में पहुँच चुके हैं। उन्हें वहाँ कुछ मुराबोस दिखाई देते हैं जो आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें ब्रिज बनाने के लिए और भी ज्यादा घास की जरूरत पड़ने वाली है। वो तीनों वहीं छुपे थे। तभी काई को बहुत बड़ा सा लिजार्ड दिखाई देता है और सारे बर्ड्स बुर्जो को ब्रिज बनाने में लगे हुए थे। टिंडाई टीडी को समझाता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, पर टीडी कहती है कि वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, पर उसे वहाँ अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हरिकेन्स लीडर को जब पता चलता है कि काई कल अकेला जंगल में गया था तो उसे वो हरिकेन्स टीम से निकाल देता है। अगले दिन दो मुराबोस फिर जांबेजिया में आते हैं और बाकी हरिकेन्स उनका पीछा करने लगते हैं, पर उनकी यह सब एक चाल थी हरिकेन्स को पकड़ने की। सारे हरिकेन्स पकड़े जाते हैं और काई अब बहुत उदास हो गया था। उसे लग रहा था कि जांबेजिया को अब उसकी जरूरत नहीं है। तब गोगो उसे उठाकर सुकोरो के पास ले जाता है। सुकोरो उसे सारी कहानी बताता है कि उसके मोम और डैड एक टाइम हरिकेन्स हुआ करते थे और एक दिन एक बड़े से लिजार्ड ने जांबेजिया पर हमला किया और जांबेजिया की हिफाजत करते करते उसकी मोम उस लिजार्ड के हाथों मारी गई। तब से किंडाई उसे वहाँ से लेकर दूर चला गया ताकि उसके परिवार को और ये सब देखना ना पड़े। जिस आखिरी एक को उसकी मोम ने लिजार्ड से बचाया था वो जोही ही थी, जो कहती है कि उस दिन अगर वो ना होती तो शायद आज वह जिंदा ना होती। काई सेकुरु से कहता है कि उसने जंगल में उस लिजार्ड को देखा है, उसे वहाँ जाना चाहिए। काई जो और गोगो को लेकर वापस उस जंगल में आ जाता है। उन्हें वहाँ बुर्जो के पैर के निशान मिलते हैं। उन्हें फॉलो करता हुआ काई उस गुफा में पहुँचता है। उसे वहाँ टीनी मिलती है। वो सब कुछ बताती है कि बुर्जो ने उसके डैड को भी वहाँ पकड़ कर रख रखा है। काई जाकर अपने डैड से मिलता है। वो उसके पिंजरे को खोल देता है और बाकी सभी बर्ड्स को भी वहाँ से आजाद करा के वो लोग सब बाहर आ जाते हैं। वो सारे मुराबोस ब्रिज को जांबेजिया से जोड़कर टिंडाई सिसिल को मारने लगता है। तब काई उसे रोकता है और कहता है कि मुराबोस भी हमारी तरह वर्ड्स ही है। काई कहता है अभी भी मुराबोस उनकी मदद कर सकते हैं, वो लिजार्ड को यहाँ से भगा सकते हैं। सिसिल और बाकी सारे मुराबोस उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सारे बर्ड्स अपने एग को छुपाने लगे थे ताकि वो बुर्जो के हाथ ना लग जाए। टिंडाई बुर्जो को आगे बढ़ने से रोकता है। काई भी उसकी मदद के लिए आगे आ जाता है। टिंडाई बुर्जो से लड़ते लड़ते घायल हो जाता है। इधर जब तक बाकी सारे मुराबोस बाकी लिजार्ड को आगे बढ़ने से रोक रहे थे, जोई उन हरिकेन्स को छुड़ाती है जो कि इसमें फंसे।
देते। बुर्जो लगभग ऊपर पहुंच ही चुका था, लेकिन तभी मुराबोस उन पर पत्थरों से हमला कर देते। बाकी की हरिकेन्स भी वहां आ चुके थे और वो लोग पत्थर गिराकर उस ब्रिज को तोड़ देते और सारे लिजार्ड वहां से नीचे गिर जाते हैं और सिर्फ बुर्जो ही बचाता। सारे बर्ड्स एक साथ मिलकर उस पर हमला करते और खींच कर नीचे गिरा देते। और अब बाकी सारे बर्ड्स और मुराबोस जाम्बेजिया में खुशी खुशी रहने लगी थी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे हमें इसी वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।